ये कोई चुनौती नहीं है, जब हमने सरकार ने निर्णय किया है तो हर परिस्थितियों को सोच के किया है। टीकाकरण की पूरी तैयारी हमने कर लिया, आपने देखा दो दो बार ड्राई रन हमने कर लिया है। ये हमारे सरकार का कमिटमेंट है कि हम फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। लगभग 1 करोड़ हेल्थ वर्कर और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर, ये 3 करोड़ वर्कर्स को फर्स्ट 2 फेज में टीका उपलब्ध कराए जाने हैं। अभी शुरुआती दौर में जो वैक्सीन आ रहा है वो पूरी तरीके से भारत सरकार मुफ्त में पूरे देश को दे रही है। इसके बाद जो आएगा और यदि राशि हमको देनी होगी राज्य की सरकार को, वह 100% हम देने को तैयार हैं। वैक्सीन की तारीख आ गई है, लेकिन बिहार में पूरे राज्यवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी, जैसा कि चुनाव में वादा किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, और ऐसी स्थिति में 10,900 करोड़ जो स्वास्थ्य बजट बनाया गया था इस साल के लिए, क्या वो काफी है? तमाम चर्चा के लिए मेरे साथ इस वक्त बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद है खास बातचीत के लिए। सर, जो फंड एलोकेट किया गया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो है करीब करीब 10,900 करोड़ जो जानकारी है। सर, सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि इतनी रकम काफी है पूरे राज्यवासियों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन? ये पूरे तरीके से जो बजट का एस्टिमेशन हुआ था, जो अनुमान बना था कि इस वित्तीय वर्ष में हम खर्च करेंगे, वो आप चर्चा कर रही हैं। और जब भी कोई नई जरूरत पड़ती है तो हम राज्य सरकार से अतिरिक्त राशि की भी मांग करते हैं, द्वितीय अनुपूरक में, तृतीय अनुपूरक में। तो ये बजट के अंदर पैसे को लेने की प्रक्रिया होती है। अभी जो कोरोना का टीका देना है, ये हमारे सरकार का कमिटमेंट है कि हम फ्री वैक्सीनेशन करेंगे, हम टीका मुफ्त में लोगों को देंगे। और अभी 16 जनवरी को टीका का काम शुरू होने जा रहा है, तो इस वित्तीय वर्ष के लगभग 2.5 महीने बचे होंगे। और केंद्र की सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई है उसमें लगभग 1 करोड़ हेल्थ वर्कर और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर, ये 3 करोड़ वर्कर्स को फर्स्ट 2 फेज में टीका उपलब्ध कराए जाने हैं, और ये टीका मुफ्त में केंद्र सरकार सभी राज्यों को दे रही है। तो केंद्र से मुफ्त में मिले या नहीं तो पैसे से भी मिलेगा, तो फिर राज्य की सरकार उसको आगे के दिनों में लगाएगी, लेकिन हम राज्य की जनता को मुफ्त में टीका देंगे। तो अभी तो जो टीका आ रहा है उसके लिए हमें राशि नहीं देनी है, लेकिन यदि टीका की संख्या बढ़ती है अगले 2.5 महीने में और हमको ये जो 2 फेज के टीकाकरण है उससे हम आगे बढ़ते हैं, तो राशि की जरूरत होगी तो उसका उपबंध हम करेंगे। सर, एक प्लानिंग तैयार किया गया होगा, क्योंकि अब तो बहुत लंबा अंतराल हो चुका है जब वादा किया गया, सरकार भी बन गई, अब वैक्सीन आ रहा है, तो एक प्लानिंग होगा, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि क्या रेशियो रहेगा, केंद्र से कितना, 60-40 या 70-30, किस तरीके का? ये कोई कार्यक्रम योजना नहीं है कि इसमें रेशियो है। ये पूरी तरीके से हमने कहा कि यदि जो वैक्सीन हमको शुल्क देना है, पैसा देना है, वो 100% स्टेट हेड से दिया जाएगा। अभी शुरुआती दौर में जो वैक्सीन आ रहा है वो पूरी तरीके से भारत सरकार मुफ्त में पूरे देश को दे रही है। इसके बाद जो आएगा और यदि राशि हमको देनी होगी राज्य की सरकार को, तो जो भी राशि देनी होगी वह 100% हम देने को तैयार हैं, और विभाग में उसके लिए पैसे की कमी नहीं है। ये तो जनता के सामने कहीं ना कहीं एक पूर्ण विराम, एक संतोष अब आ चुका है कि उनको वैक्सीन फ्री में मिलेगी। मेरा एक सरकार से सवाल है कि सरकार के सामने में क्या चुनौतियां हैं? क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये मुश्किल होगा, क्योंकि बिहार की आबादी बड़ी आबादी है, और अभी जब रेट तय नहीं हुआ, ऐसे में सरकार कैसे निपटेगी सरकार इससे? नहीं, ये कोई चुनौती नहीं है, जब हमने सरकार ने निर्णय किया है तो हर परिस्थितियों को सोच के किया है, और जो भी परिस्थितियां बन सकती हैं उन सारे चीजों को, और जो भी आर्थिक खर्च या आर्थिक व्यय हो सकता है उसका एस्टिमेशन करके ही हम सब लोगों ने कैबिनेट के अंदर इस बात की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ली है कि हम राज्य की जनता को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। और कैसे वैक्सीन जब आएगा, प्लानिंग बहुत क्लियर है। वैक्सीन जब हमारे पास आएगा हमको उसका भुगतान करना होगा, हम भुगतान करेंगे, और भुगतान के बाद जब वैक्सीन मिलेगा तो टीकाकरण की पूरी तैयारी हमने कर ली है, आपने देखा दो दो बार ड्राई रन हमने कर लिया है, हमने जो उसके स्टोर के यूनिट बनाए हैं,
जो हमारा स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाके देख के पूरा मुआयना किया है, और जो मेरा स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर है बिहार का, ये पूरे देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा स्टेट का वैक्सीनेशन सेंटर होगा जैसा बिहार का सुव्यवस्थित है। और पूरी हमने सिस्टम बनाई हुई है कि किस प्रकार से हम राज्य की राजधानी से जब वैक्सीनेशन वैक्सीन को बाहर ले जाएंगे, तो हमने 10 रीजनल सेंटर्स बनाए हैं, फिर 10 रीजनल सेंटर से 38 डिस्ट्रिक्ट्स पे जाएंगे, तो ये सारा उसका कोल्ड चेन कैसे मेंटेन होगा, रेफ्रिजरेटेड वैन होगा, ये सारी तैयारी की हुई है। ठीक है, मतलब आगे जरूरत पड़ी तो फिर वो देखा जाए, लेकिन फिलहाल नहीं, पूरी तैयारी 100% फुल प्रूफ तैयारी है। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर खुद भी आश्वस्त है कि वैक्सीन लोगों को मुफ्त में दी जाएगी, और अभी पहले दो चरणों में स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, इसके अलावा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीन मुफ्त में दी जानी है। बजट और प्लानिंग जो है वो सरकार के हिसाब से पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ नीतिश्री, एबीपी न्यूज पटना। ABP News, आपको रखे आगे।